ये अपने ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहा है? मच्छर गिरा मत दियो भाई, 8 लाख का लेंस है। देखो कितना सुंदर है भाई, टोकरे की अच्छा लाइट्स हैं ये मारी डाई। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 4 बजने वाले हैं, फिलहाल मैं उठ गया हूँ बिकॉज अभी हमें जंगल के ऐसे एरिया में जहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। अभी 5 बजे हमारी जंगल सफारी है तो हमको निकलना है, जल्दी से नहाते हैं, रेडी होते हैं। हम कल आए थे यहाँ पे, कल तो हमको टाइगर दिखा नहीं, होपफुली अभी सुबह सुबह सफारी में हमको टाइगर दिख जाएगा, इसलिए जल्दी से मैं तो उठ गया भाई, एकदम से नींद खुली एक्साइटमेंट में यार। और गाइस कल रात को हमको ये फोन भी मिला था, पता नहीं किसका फोन है, ये फोन भी देना है जिसका भी है। तो गाइस मैं तो बस नहा के रेडी हो गया हूँ, अब बाकी सबको उठाते हैं। चलो पीयूषी, पीयूषी 5 बजने वाले हैं, पीयूषी 5 बजने वाले, उठ जा, उठ जा भाई 5 बजने वाले हैं, उठ जा साहिल, उठ जा साहिल, उठ जा। सुबह सुबह 5 बजे हमारी चाय आ गई, देखो चाय पीते हैं मस्त। पीयूष उठ ही नहीं रहा, पीयूष उठ जा, चाय आ गई। तो अभी गाइस उजाला हो चुका है, कल रात को हम रुके थे यहाँ पे, तो फिलहाल मैं तो निकल गया हूँ सुबह सुबह वॉक पे। अब यहाँ पे रोज तो आ नहीं सकते गाइस, तो मजे लेते जितने मजे ले सकते भाई। पीयूष और साहिल तो उठ नहीं रहे भाई, सिर्फ बोबी और मैं ही उठे हैं। अब आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करता हूँ, ऐसी ऐसी जगह पे आने को पता नहीं फिर कब मिलेगा। सामने का व्यू देखो भाई, अभी सनराइज होने वाला है गाइस। इस रिवर में ना मगरमच्छ है तो वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, हाथी वगैरह भी सब है वहाँ पे गाइज। यहाँ पे हमको फोन मिला था रात को, देखो यहाँ पे, यहाँ बैठे थे हम, यहाँ पे फोन मिला था वो। मैं तो वॉक करके भी आ गया गाइज, इतने अंदर हम जंगल में आए हैं। यहाँ भी देखो कितने सब्सक्राइबर मिल गए हमको, यहाँ भी। आप सब कहाँ से हैं? सहारनपुर से। देखो अब उठा है, 5:30 बजे निकलना है, 5:30 तो रेडी है, हमें क्या करना है। फाइनली सभी रेडी हो गए, अब चलते हैं जिप्सी में और चलते सफारी के लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? निकल गए सुबह सुबह भाई साहब, इतनी ठंड। ये अपने ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहा है? मच्छर भगा रहा है ना, मच्छर भगा रहा है। ओह पूरी मिट्टी गाइस, सामने हाथी की लड़ाई होगी गाइस, हम आगे जा ही नहीं पा रहे, आगे रोड में हाथी है। अरे वो हमारे रास्ते में नहीं है, हम उनके रास्ते में आए हुए हैं, जंगल तो उनका है ना, गुस्सा आ गया ना पीछे आ जाएंगे हमारे। गाइस आज जो हुआ है ना हमारे साथ में, हम इतने एक्साइटेड थे, सुबह 4 बजे उठ गया था मैं, सुबह 4 बजे और 4 घंटे की सफारी में भाई एक टाइगर भी दिखा। चलो तो अभी आ गया ब्रेकफास्ट के लिए, यहाँ पे पराठा, उपमा, ये दलिया, मैं तो सिर्फ पराठा खा रहा हूँ भाई। तो भी गाइज आ गए अपने रूम पे, लेकिन बहुत बुरा सा लग रहा है यार, टाइगर नहीं दिखा यार। गाइज अभी फोन हमको वापस देना है, जिसका भी फोन है ना ये, उसको वापस देना है। जो हम जंगल से निकलेंगे वहाँ पे नेटवर्क आएंगे तब कॉल आएगा इस पे। ऐसा ना, जिसका भी फोन है अभी हमें सबको इकट्ठा करके देना पड़ेगा यहाँ पे, बुलाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। जिसका भी फोन है वो अपना पासवर्ड बताएगा अपना, अगर ये ओपन हो गया तो उसको दे देंगे। और इसमें एक फोटो लगी हुई है, उससे मैच कर लेगा। जिसका भी है वो बहुत टेंशन में होंगे, फोटो वीडियो भी नहीं बना पा रहे होंगे। जो भी होंगे हमारी तरह सफारी के लिए आए होंगे, यहाँ पे घूमने के लिए आए होंगे, और उनका फोन खो गया और वो घूम भी नहीं पा रहे होंगे, पता है फोन की टेंशन में। जाने से पहले फोन वापस करना है, जिसका भी फोन है। गाइस ये देखो हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं, खुद बनाते हैं प्रोडक्ट। तो गाइस ये देखो कितना खतरनाक, कितना बड़ा लेंस है और बहुत भारी है भाई। कितने कितने किलो का हुआ ये? 15 अराउंड 15 किलो का है, 15 किलो। गिरा मत दियो भाई, कितने का भाई ये लेंस? लेंस 8 लाख, 8 लाख का लेंस है। और बॉडी 3 लाख, टोटल 11 लाख का सेटअप है ये। ऑन कर दो जरा, ये देखो भैया ने फोटो खींची टाइगर की, कितनी मस्त। पासवर्ड इसका, पासवर्ड क्या है इसका? पासवर्ड चलो खुल गया। तो गाइस इन सर का फोन था फाइनली, रात को मिला हमको कल, ठीक है। चलो फाइनली गाइस, उनको कोई टेंशन नहीं थी भाई फोन की, उनके मुंह पे दिख भी नहीं रहा था कुछ कि उनका फोन खोया ऐसा कुछ। हाँ मुझे ऐसा लगा कि उनका फोन नहीं है, फिर मैंने कहा अनलॉक करो उसे पहले, जब उन्होंने अनलॉक किया था तब मैंने इट्स ओके यार। गाइस अभी हम 30 किलोमीटर अंदर जंगल में आए हुए हैं, तो 30 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा हमको, तब जाके हम पहुंचेंगे नेटवर्क में। गाइस जितना भी कूड़ा हमने किया सब हम खुद लेके जा रहे हैं, देखो यहाँ पे, क्योंकि जंगल में कुछ भी नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि जंगल में यहाँ पे कहाँ फेंकोगे, यहाँ कहाँ फेंकोगे, यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके बाय। गेट पे पहुंच गए, तो गाइस पहुंच गए अपनी गाड़ी तक, गाड़ी में सामान डालते हैं और चलते हैं अब सीधा स्विमिंग पूल में नहाने के लिए भाई। तो गाइस अब हम गाड़ी लेके निकल गए रिसोर्ट के लिए, वो मैंने एक रिसोर्ट बुक कर रखा था, तो वहीं पे चलते हैं, वहीं पे पूल में नहाएंगे मस्त। चलो भाई पहुंच गए, गाड़ी पार्क कर दिया है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम। गाइस देखो कितना मस्त रिसोर्ट है। तो गाइस ये रूम है, एक बार देख के आते कितने पूल है यहाँ।
दो पुल हैं, चल देखते कौन सा। भाई कितना मस्त लग रहा है यार ये। तो गाइस एक पुल तो ये रहा, देखो कितना सुंदर है भाई, बहुत सुंदर रिजोर्ट है यार ये तो। देख ये वैसे बैठने का एरिया देखो कितना मस्त है, और पीछे रिवर है, पहाड़ है। गाइस ये देखो घोड़ा किस तरह से आ रहा है ऑफ रोडिंग करते हुए। गाइस मछलियाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं ये देखो। अच्छा ये है दूसरा स्विमिंग पूल। ये टोकरियाँ क्यों लगी हुई है टोकरियाँ की? अच्छा लाइट्स हैं ये, वाओ ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो गाइस टोकरियों में लाइट्स लगा रखी है। गाइस ये देखो यहाँ पर रिजोर्ट में लीची लगी हुई है, लेकिन अभी कच्ची हैं, हरी हरी देखो कितनी मस्त लग रही है। गाइस आम भी लगे हुए हैं पूरे पेड़ में देखो भाई, और यहाँ पे भी बैठने का एरिया पूरा, यहाँ बैठ सकते हैं देखो। ये देखो इतना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, इतना बड़ा। ये देखो सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचा सकते हैं। पीछे रिवर है, कोसी रिवर है ये। और गाइस यहाँ पे इस टाइप की कॉटेजेस भी हैं, यहाँ भी रुक सकते हैं हम, यहाँ भी रह सकते हैं देखो। तो अभी हम रूम में आ गए हैं, पहले हम लंच करेंगे उसके बाद जाएंगे पूल में, बिकॉज भूख लग रही है यार बहुत। चलें फिर लंच के लिए चलें, भूख लग रही है यार। अरे यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या होगा? ओ भाई यहाँ भी गार्डन है, पेड़ है यहाँ, टॉयलेट। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट, खाने में चेक करते हैं। सब कुछ है, पास्ता भी है, आलू। गैस खाने के लिए सब कुछ यहाँ पर, लेकिन हम सिर्फ राजमा चावल खाएंगे, सैलेड और राजमा चावल। कहाँ से आए हो आप? अभी मिलेंगे पूल। तो गाइस चलो फाइनली टाइम आ चुका है पूल में जाने का, और भाई इतनी एक्साइटमेंट हो रही है पूल में जाने की, पूरे कपड़े खोलते हैं और 4-5 घंटे तक पूरा पूल में पड़े रहूंगा, मजा आ जाएगा। चलो जल्दी आओ, सीधा कूद जाइयो, ठीक है सीधा कूद जाइयो। ये मारी डाई गाइस, टी शर्ट में अलाउड नहीं है तो मैंने टी शर्ट उतार दिया, ठंडा हो रहा है बहुत ज्यादा। ये अरे मत कर ऐसे नहीं। तो गाइस मेरा तो हो गया, अब ठंड लग रही है भाई और थक भी गए हैं, तो अब रेस्ट करेंगे जाके भाई। तो भी गाइस पूल से आ गए हैं, अब जा रहे हैं चाय वगैरह पीने के लिए। तो भी गाइस बैठ गए मस्त यहाँ पे, चाय का वेट कर रहे हैं। गाइस एक इमरजेंसी आ गई, इसलिए हमको घर जाना पड़ रहा है, हम रुक नहीं रहे यहाँ पे। प्लान था हमारा रात को रुकने का, लेकिन इमरजेंसी आ गई है। अरे चाय और कचौरी आ गई है तो मस्त खाते हैं। तो गाइस चाय वगैरह पी लिया हमने, अब हमको जाना पड़ेगा यहाँ से, हम रात को रुक नहीं सकते, बिकॉज अभी फोन आया मम्मी के हाथ में दर्द हो रहे, तो मम्मी को लेके जाना है हॉस्पिटल। शायद मैं कल दिल्ली ले जाऊँगा मम्मी को, मम्मी के हाथ में दर्द ठीक ही नहीं हो रही यार। तो गाइस अंधेरा हो चुका है, 7:30 बजने वाले हैं। ओलू सर्द आ गए कुनाली, ओहो पढ़ाई कर रहे कुनाली। तो फिलहाल अब डिनर करते हैं, हरी सब्जी रोटी एंड चटनी खाते हैं मस्त। तो अभी आ गया हम अपने रूम में, डिनर हो चुका है, अब फिलहाल मैं सोता हूँ, बिकॉज सुबह मम्मी को लेके जाना है दिल्ली हॉस्पिटल, बिकॉज मम्मी के हाथ में ना बहुत बहुत पेन हो रहा है। मतलब मैंने यहाँ सभी डॉक्टर को दिखा लिया, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है यार, बहुत टाइम हो गया। तो अब दिल्ली दिखाते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में, इसलिए कल मैं सुबह मम्मी को दिल्ली लेके जाता हूँ अपने साथ में। चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सच फॉर वॉचिंग, बाय। सुनो एक गेम खेलते हैं, ये पत्थर है, पत्थर फेंकूंगा जो लेके आएगा वो जीतेगा। ये लो भाई फेंक दिया, इधर फेंका मैंने, देखते हैं कौन ला पाता है। भाई बोल बे कूद गए ले।